नमस्कार बच्चों, मैं सभी को हिंदी ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूं। आज का विषय है ऊंट का बदला, चौथा पाठ ऊंट का बदला। बच्चों, सभी लोग अपना अपना पुस्तक लेकर पन्ना नंबर 16 खोलिए। बच्चों, ऊंट का बदला पाठ में आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि यदि आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो उसका हल कभी ना कभी आपको अवश्य मिलेगा। दोस्त को धोखा देना पाप है। जैसे आप दूसरों के साथ करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो चलो बच्चे, हम आज इस पाठ ऊंट का बदला एक एक करके हम पढ़ें। हिंदी लेसन 4 ऊंट का बदला। हम लोग पाठ को पढ़े, ध्यान से पढ़े, उंगली लगाकर, मन लगाकर हम ध्यान से पढ़े। एक नदी के किनारे एक जंगल था, उसमें सभी जानवर रहते थे। उस जंगल में एक ऊंट भी था। एक दिन ऊंट उदास बैठा हुआ था, तभी वहां एक सियार आया और उसने ऊंट से पूछा, क्यों मित्र, क्या बात, आजकल तुम बहुत मोटे ताजे होते जा रहे हो, हमें भी बताओ क्या खाते हो। सियार की बातें सुनकर ऊंट नाराज हो गया, बोला, मित्र क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो, मोटे ताजे तो तुम हो रहे हो, भला बताओ क्या खाते हो, मैं तो पहले से और कमजोर हो गया हूँ। बातें करते हुए दोनों नदी के पास पहुंच गए। सियार की नजर नदी के पार खरबूजों के विशाल खेत पर पड़ी। सियार तुरंत ऊंट से बोला, देखो तो मित्र, उस पार खरबूजों का कितना विशाल खेत है, यदि हम दोनों वहां जाएं तो मजे से पेट भर कर खरबूजे खा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, हम अभी चलते हैं, ऊंट ने सहमति जताई। सियार बोला, लेकिन मित्र, नदी गहरी है, मैं कैसे जाऊंगा। ऊंट ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, वह मित्र ही क्या जो मित्र के काम न आए, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी पार कर खेत में पहुंच गए। दोनों ने जी भर कर मीठे खरबूजे खाए। जब सियार का पेट भर गया तो वह बोला, मित्र मेरा तो पेट भर गया, मेरा मन तो अब गीत गाने का है। ऊंट बोला, नहीं नहीं मित्र, यदि तुम गाओगे तो खेत का रखवाला आ जाएगा और दोनों की डंडे से पिटाई हो जाएगी। लेकिन सियार पर गाना गाने की धुन सवार थी। ऊंट ने बार बार समझाने पर भी वह नहीं माना। जैसे ही उसने गीत हुआ हुआ गाना शुरू किया, उसकी आवाज सुनकर खेत का रखवाला दौड़कर खेत में आया। उसने ऊंट और सियार को
अपने खेत में खरबूजे खाते देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ, डंडा उठाकर उन्हें मारने दौड़ा। सियार तो जान बचाकर वहां से भाग गया, परंतु ऊंट भाग ना सका। क्रोधित रखवाले ने ऊंट की जमकर पिटाई कर दी। ऊंट किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा और नदी किनारे पहुंचा। सियार पहले ही वहां आ गया था। ऊंट पर व्यंग्य करते हुए बोला, कहो मित्र क्या हाल है? ऊंट को क्रोध आ रहा था, पर वह शांत होकर बोला, मित्र शीघ्रता से मेरी पीठ पर बैठो, हमें जल्दी से नदी पार कर लेनी चाहिए, नहीं तो रखवाला यहाँ आ जाएगा। सियार उछलकर ऊंट की पीठ पर सवार हो गया। जल्दी जल्दी करके जब वे दोनों नदी में प्रवेश कर गए तो ऊंट बोला, तुमने मेरा कहा नहीं माना और जोर जोर से हुआ हुआ करने लगे, इस कारण मुझे डंडे खाने पड़े, तुमने ऐसा क्यों किया? सियार ने कहा, मित्र मेरी आदत ही ऐसी है, पेट भरने के बाद मुझसे गीत गाए बिना नहीं रहा जाता, क्या करूं, मैं आदत से मजबूर हूं। बातचीत करते करते दोनों नदी के बीच पहुंच चुके थे। ऊंट सियार को सबक सिखाना चाहता था। वह बोला, मित्र मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी आदत से मजबूर हूँ, थोड़ा सा खाते ही मुझे लेटने की इच्छा करती है, इतने शीतल जल में तो मुझसे लेटे बिना रहा नहीं जाएगा। इतना कहते ही सियार के होश उड़ गए। वह ऊंट से ना लेटने की प्रार्थना करता रहा, परंतु ऊंट ने उसकी एक ना सुनी और नदी में लेट गया। वह बोला, ये है ऊंट का बदला, और सियार नदी में डूबकर मर गया। तो चलो बच्चे, इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं, मन लगाकर पढ़िए, एक एक शब्द पर ध्यान दें और मेरी आवाज को सुनकर आप इस पाठ को पढ़ना सीखे। उसके बाद हम भी सीख सकते हैं नीचे दिए गए शब्द अर्थ कुछ पाठ में दिए गए कठिन शब्दों को हम सीखे। देखिए मित्रता, उसका अर्थ है फ्रेंडशिप। उसके बाद विशाल का मतलब ह्यूज, बिग। क्रोध का मतलब एंगर। उसके बाद टहलना मतलब टू वॉक। फिक्र मतलब वरी। नाराज मतलब एंग्री। उसके बाद आएंगे हम अभ्यास के भाग में, ध्यान देने योग्य दिए गए शब्दों के नीचे बिंदु का प्रयोग किया गया है। जैसे नजर, आप लोग देख रहे हैं जा के नीचे एक बिंदु है, उसका उच्चारण सही ढंग से करें, नजर। उसके बाद खरबूजा, जा के नीचे बिंदु लगा हुआ है, उसको हम ध्यान देते पढ़ें खरबूजा। उसके बाद नाराज। उसके बाद बच्चों हम
चलो चले पन्ना नंबर 19 मौखिक भाग पर का नंबर सही उच्चारण के साथ पढ़िए। शब्दों पर ध्यान दीजिए, कमजोर, मजाक, क्रोधित, व्यंग्य, मुश्किल, शीघ्रता। उसके बाद हम लिखित भाग पर जाएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रथम पहला सवाल है, सियार ने ऊंट से उसका हाल कैसे पूछा। प्रिय बच्चों, इन सवालों का जवाब आप लोग लिख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ देर के लिए मैं रख रहा हूं। पहला वाला सवाल है, सियार ने ऊंट से उसका हाल कैसे पूछा। उसका जवाब है, सियार ने व्यंग्य करते हुए ऊंट से उसका हाल पूछा। कहो मित्र, क्या हाल है। उसके बाद दूसरा सवाल है, दोनों मित्रों ने कहां जाने का निश्चय किया और क्यों। जवाब है, दोनों मित्र ने नदी के पार खरबूजों के विशाल खेत पर मीठे खरबूजे खाने के लिए जाने का निश्चय किया। तीसरा नंबर, दोनों ने नदी कैसे पार की। जवाब है, सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया और दोनों ने नदी पार की। चौथा सवाल है, सियार के गाना गाने के बाद दोनों मित्रों का क्या हुआ। जवाब है, सियार के गाना गाने के बाद खेत का रखवाला दौड़कर खेत में आ गया, वह ऊंट और सियार को मारने दौड़ा। सियार वहां से भाग गया मगर ऊंट भाग ना सका। रखवाले ने ऊंट की जमकर पिटाई कर दी। ऊंट किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा और नदी के किनारे पहुंचा। पांचवा प्रश्न है, ऊंट ने अपना बदला कैसे लिया। जवाब है, ऊंट ने सियार का बदला ऐसा लिया, जब वे दोनों नदी पार कर रहे थे तो ऊंट ने सियार से बोला कि वे खाने के बाद पानी में लेटे बिना नहीं रह सकता। ऊंट नदी में लेट गया और सियार पानी में डूबकर मर गया। तो चलो बच्चे, इस प्रश्नों का जवाब आप अपना अपना कॉपी पर स्पष्ट से और ध्यान देते हुए लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे पन्ना नंबर 19 लिखित भाग में। ख नंबर, रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर खाली स्थानों पर भरना है। जंगल, पीठ, ऊंट, खरबूजे और नदी। प्रथम, एक जंगल नदी किनारे था, यहाँ पर भरना है जंगल। दूसरा नंबर, सियार की बात सुनकर ऊंट नाराज हो गया, खाली स्थान पर लिखे ऊंट। तीसरा नंबर, सियार की नजर नदी पार खरबूजे के एक विशाल खेत पर पड़ी, यहाँ पर भरना है खरबूजे। चौथा नंबर, ऊंट सियार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के दूसरी ओर ले गया, पीठ खाली स्थान पर भरिए पीठ। पांचवा नंबर है, सियार नदी में डूबकर मर गया, नदी, यहाँ पर आप इन
सब खाली स्थानों पर आप भरिए स्पष्ट से और सीखे। उसके बाद नंबर ग, सही कथनों के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाओ, टिक मार्क फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस मार्क इनकरेक्ट वंस। कथन है सियार एवं ऊंट एक दूसरे के शत्रु थे, सही या गलत, ये है गलत। दूसरा, नदी के उस पार खरबूजों का खेत था, सही। खेत के रखवाले ने सियार की जमकर पिटाई की, गलत। सियार ने ऊंट का उपहास उड़ाया, सही। सियार नदी में कूद कर भाग गया, गलत। इन सबों को ध्यान दीजिए, सही या गलत आपका टेक्स्ट बुक पर मार्क कीजिए। उसके नंबर घ, उसके बाद नंबर घ, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करो, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट ऑप्शंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द ब्लैंक। सही शब्दों पर ध्यान देते हुए हम लोग यहाँ पर भरेंगे। प्रथम है, सियार की नजर नदी पार खरबूजों के खेत पर पड़ी, तो इस शब्द को यहाँ पर खाली स्थान पर भरना है। दूसरा है, सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया। तीसरा है, यदि तुम गाओगे तो खेत का यहाँ पर भरना है रखवाला आ जाएगा। चौथा है, ऊंट ने सियार को नदी, यहाँ पर भरना है नदी में गिरा दिया, ऊंट ने सियार को नदी में गिरा दिया। उसके बाद हम लोग जाएंगे भाषा व्यवहार यूसेस ऑफ लैंग्वेज। नंबर का, विलोम शब्द लिखिए, राइट द ऑपोजिट वर्ड्स गिवन बिलो। मित्र, शत्रु, विशाल, छोटा, ऊंट, ऊंटनी, जागना, सोना। उसके बाद मोटा, पतला, उदास, प्रसन्न, आना, जाना, मीठा, खट्टा। उसके बाद नंबर खा, पर्यायवाची शब्द लिखिए, राइट सिनोनिमस वर्ड्स गिवन बिलो। प्रथम है मित्रता, दोस्ती, और एक शब्द में हम लोग लिख सकते हैं, वही है पर्यायवाची शब्द, सिनोनिमस वर्ड्स, मित्रता, दोस्ती, विशाल, बड़ा, क्रोध, गुस्सा, रखवाला, रक्षक, शीघ्रता, जल्दी, उदास, दुखी, दुबला, पतला, उपहास, मजाक। उसके बाद हम लोग आएंगे नंबर ग, वाक्य बनाओ, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू क्रिएट सेंटेंसेस। पहला वाला है, मोटा ताजा, सियार मोटा ताजा था, टहलते टहलते, मैं टहलते टहलते थक गया, चलते चलते, ऊंट और सियार चलते चलते नदी पहुंचे। चौथा, दुबला पतला, ऊंट दुबला पतला था। पांचवा नंबर, उपहास, सियार ने ऊंट का उपहास किया। तो चलो बच्चे, हम लोग पढ़ चुके हैं भाषा व्यवहार, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं भाषा व्यवहार का भाग, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द स्पष्ट से टाइप किया हुआ है, आप स्क्रीन पर कुछ देर मैं रख रहा हूं, आप लोग पॉज करके लिखिए। तो चलो बच्चे, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।